इस वक्त की बड़ी खबर बावल हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा के बॉक्सर युवक लाया महाराष्ट्रीय एक्टर्स बहू। बावल क्षेत्र के गांव बनवाड़ का मूल निवासी है युवा प्रदीप खरेरा। हिंदी फिल्मों के अभिनेत्री मानसी। आज विश्व भर में हरियाणवी लोग अपनी प्रतिभा और हुनर के बल पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर रहे हैं। उसी कड़ी में जिला रेवाड़ी के एक युवा जो की मुक्केबाजी खेल के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है, वे बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव बनवाड़ का मूल निवासी है। उसने महाराष्ट्र की एक बेटी जो कि फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है तथा आगामी हिंदी फिल्मों में नजर भी आने वाली है, हरियाणवी बॉक्सर अभिनेत्री मानसी के साथ मुंबई में विवाह रचाया। इसकी चर्चा बावल से लेकर मुंबई तक हो रही है, राष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी चर्चा है। ये फिल्म अभिनेत्री मानसी नाइक अब हरियाणा की बहू बनेगी। ऐसी लेटेस्ट खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ सना खान। महाराष्ट्र और हरियाणा की प्रेम कहानी जी, देखो पहली बात तो सबका भगवान दास की जय हो, और लव स्टोरी कहीं की भी हो, कोई भी हो, प्यार प्यार होता है, प्यार जिससे भी हो जाए बस फिर वो हो ही जाता, फिर नहीं होता कौन कैसा है क्या है, बस प्यार प्यार होता है। तो ये माना जाए कि मानसी से सच्चा प्यार हो गया? हाँ, सच्चा प्यार हुआ, तभी आप हमें शादी के जोड़े में देख रहे हैं। दूसरी बात, जैसे जो पृष्ठभूमि है दोनों अलग अलग हैं, महाराष्ट्र की कल्चर अलग है और मानसी की जो कल्चर है वो महाराष्ट्रीय कल्चर है, तो आप क्या मानते हैं कितना सामंजस्य दोनों परिवारों में बैठ पाएगा संस्कृति को लेकर? पता है क्या, लैंग्वेज अलग है, संस्कृति कल्चर रीति रिवाज सब कुछ सेम है। हम जैसे कि अभी वहाँ पे कल शादी की, सब कुछ सेम है, वैसे ही हमारे हरियाणा में होता है, वैसे ही वहाँ पे है, सब कुछ एक जैसा ही है। और रही बात भाषा की, थोड़ी सी ये सीख लेंगी, थोड़ी सी मैं सीख लूँगा। सभी की यहाँ जैसे हरियाणा की है, तो एक हर लड़की की अपनी इच्छाएं होती हैं, वो अपना पेशा खुद चुनना चाहती है, तो अपना करियर बनाना चाहती है। मानसी भी एक यंग लड़ है, वो भी चाहती है कि मैं अपनी अलग दुनिया स्थापित करूँ, करियर स्थापित करूँ, तो आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? मेरी तरफ से पहल हमेशा यही रहेगी कि ज़िंदगी में जो भी करना चाहे मैं उसके लिए उसके साथ खड़ा हूँ। और कभी भी अभी तक तो लाइफ में ऐसा नहीं मोड नहीं आया कि भाई ये मेरे को बोले कि ये चीज़ करनी है और मैंने मना कर दिया हो। मैं हर चीज़ में, हर एक बात में मैं एग्री करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और मैं आगे भी हमेशा ऐसे करता रहूँगा। प्रदीप जी, आप खेल के मैदान से हैं, एक जो खेल है आपका बॉक्सिंग का, बॉक्सिंग में बॉक्सर को जल्दी गुस्सा आता है, बहुत फिल्म लाइन से मानसी है, और दूसरा यदि वो फिल्मी लाइन की बात करें तो वो कभी फिल्मी अंदाज में वो आ गई, आपसे गुस्सा जाहिर कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? ये करेक्ट क्वेश्चन था, सबसे करेक्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, आप बोलो। नहीं, वो पता क्या, घर वालों ने सिखाया है कि भाई एक ज़्यादा हाइप में हो, दूसरा शांत रहे। जैसे मैं हाइप में हूँ तो ये शांत रहती है, ये हाइप में होती मैं शांत रहता हूँ। गाड़ी धीरे धीरे, सबकी गाड़ी है, माँ बाप की, दादा दादी की, सबकी गाड़ी ऐसे चलती है, ये हमारी वैसे चल जाएगी। अच्छा, दूसरा ये बताइए, अभी तक हमने ये सुना था अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरनी से ब्याह करता है, पुलिस वाला है तो पुलिस वाले से करता है, आप बॉक्सर होके एक फिल्म अभिनेत्री से ब्याह किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहूँगा, दुनिया की रीत बदलना चाहता हूँ, दुनिया की रीत बदल दी आज मैंने। देखिए, युवा जो है आज हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या है, सरकार भी मानती है और प्रशासन भी मानता है, युवा तो इस समस्या को झेल ही रहे हैं, ग्रामीण विकास की जरूरत है। तो आज हरियाणा में ऐसी क्या खेलों और फिल्म लाइन में आप क्या मान रहे हैं हरियाणा के युवाओं को क्या भविष्य? सर, पहली बात तो हमारे हरियाणा में हर दूसरे घर में आपको एक स्पोर्ट्स प्लेयर मिल जाएगा, हर दूसरे परिवार में आपको एक पुलिस में फौज में मिल जाएगा, और हमारे साइड से इस इंडस्ट्री में कम ही लोग जाते हैं, और तो हमारे साइड में ये सब चीज़ें अभी नहीं है और अभी आ रही हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे हरियाणा से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम बना रहे हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ कि और भी कलाकार निकलें। अभी मेरी वाइफ है तो थोड़ा सा और लोग जाने हैं, और थोड़ा सा अभी क्या उपलब्धियाँ रही हैं मेरी खेल जगत में? मैं दो तीन बार मैं नेशनल चैम्पियन बन चुका हूँ, दो बार मैं इंटरनेशनल चैम्पियन बन चुका हूँ, और अभी राइट नाउ प्रोफेशनल में मैं एशिया चैंपियन हूँ। आप डब्ल्यूबीसी एशिया चैंपियन। सभी गांववासी भी ये सोचते हैं कि जो बाहर जाता है वो बाहर का ही रह जाता है, आप गांव के लिए क्या सोच रहे थे कामयाबी के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात बोलूँगा कि मैं हमेशा कुछ भी मेरा फंक्शन होता है, लाइक कुछ कहीं पर मैं जीत के आता हूँ, सबसे पहले मैं माथा टेकने के लिए बाप भगवान दास पर अपने पितृ देवताओं पर ही आता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जमीन से जड़ जुड़ी रहेगी तो सलामत रहेगी।
मानसी जी, हम एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। देखिए, महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं हरियाणा में, वो संकुचित सोच की लड़कियां हम देखने को देखते हैं। अभी विचारधारा इतनी ज़्यादा बदली नहीं है, बॉम्बे की और हरियाणा की विचारधारा में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप क्या मानते हैं कि जो रोल मॉडल है, क्या आप रोल मॉडल बन पाएंगी? बनूंगी कि नहीं, बट मैं ट्राई जरूर करूँ। आप जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो उनके लिए क्या, लड़कियों के लिए क्या विशेष संदेश देंगे कि लड़कियां क्या समाज में कैसे अपने आयाम स्थापित करें? सी, फर्स्ट फॉरमोस्ट, जिस तरीके से मैं मेरे घर के जो संस्कार है, मैंने हमेशा मेरे माँ बाप को आगे रखा। सबसे बड़े क्रिटिक्स, जिसे हमारे लिए क्रिटिक्स इम्पोर्टेंट रहे, हमारे लिए ऑडियंस इम्पोर्टेंट रहे, तो मेरे लिए मेरे क्रिटिक्स मेरे माँ बाप हैं। अब मेरे माँ बाप ये भी है, तो सबसे अगर मेरी फिल्म गलत हो गई, थोड़ी गंदी हो गई।